हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संकल्प और आप देख रहे हैं संकल्प टेक चैनल। आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे ये मी बियर ट्रिमर 1C। देखेंगे कैसा है ये ट्रिमर, क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले बॉक्स की सामने की तरफ आपको यहाँ एक्चुअल वो ट्रिमर की इमेज देखने को मिलती है और यहाँ पे लिखा है मी बियर ट्रिमर 1C हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग। यहाँ पे एडजस्टेबल 20 लेंथ सेटिंग, 60 मिनट्स रन टाइम, सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स वगैरह लिखा है। एक्चुअली क्या है सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स, मतलब ये खुद शार्प नहीं होते, आपको इसको क्लीन रखना पड़ेगा तो ये मेंटेन रहेंगे। मतलब अभी जैसा ये ब्लेड्स है वैसे अगर आपको मेंटेन चाहिए तो आपको इसे हर बार क्लीन रखना पड़ेगा और हल्की जो ऑयलिंग रहती है मशीन ऑयल वगैरह वो इसमें डालना पड़ेगा ताकि ये क्लीन रहे। वो इसका सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स का वो मतलब है। यहाँ पे बॉक्स की दूसरी तरफ मी बियर ट्रिमर 1C लिखा है। बॉक्स के पीछे की तरफ और कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए और प्राइस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। यहाँ पे और एक साइड में मी बियर ट्रिमर 1C लिखा है और ऊपर और नीचे कुछ तो भी लिखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग करते। मैंने यहाँ पे बॉक्स को खोल दिया है। ये है हमारा एक्चुअल ट्रिमर का बॉक्स। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने ये ट्रिमर को यूज़ किया है थोड़ा सा और इससे मैंने हेयर कट वगैरह किया था और एक बार चार्ज किया था। जब ये मुझे रिसीव हुआ तब इसमें फुल बैटरी थी, मैंने इसे यूज़ किया बैटरी डाउन करके फिर इसे चार्ज किया है। मैं इसका पूरा ओवरव्यू देना चाहता था आपको, इसलिए मैंने इसको यूज़ करके देखा। बाकी मैंने इसको जैसा बॉक्स में आया था वैसे पैक कर दिया है फिर से और अभी इसकी बैटरी फुल चार्ज है, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता था लॉन्ग टर्म का, इसलिए मैंने इसे यूज़ करके देखा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते वीडियो में आगे बढ़ते। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ बियर्ड स्टाइल्स दिए हैं और ये इतना लंबा यूज़र मैनुअल है गाइस। और अच्छी बात यह है कि ये इंग्लिश में है। और ये है हमारा मेन ट्रिमर का बॉक्स, इसे हम यहाँ से खोलते हैं। और ये है हमारा एक्चुअल वो ट्रिमर, देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले और बॉक्स में क्या है देखते हैं। यहाँ पे आपको एक काफ़ी सॉफ्ट केस मिल जाता है इस ट्रिमर को कैरी करने के लिए। और क्या है बॉक्स में, और यहाँ पे एक ऐसे ब्रश टाइप है वो ट्रिमर को साफ करने के लिए, मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। और बाकी बॉक्स पूरा खाली हो चुका है। और एक यहाँ पे आपको माइक्रो USB नॉर्मल टाइप A2 माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलती है उस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए। तो चलिए सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट ट्रिमर की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा मेन प्रोडक्ट ट्रिमर और इसमें ये कोम है, इसमें एक ही कोम आता है जो लग के आता है गाइस। और ये यहाँ पे कुछ ऐसे लगता है और ये इसकी लेंथ सेटिंग है। एक बेसिकली यहाँ पे 0.5 के हिसाब से सेटिंग है तो 10 का वो 20 हो जाता है, जैसे 1, 1.5 वगैरह। और देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ऊपर कर दिया, ये इतना ऊपर हो जाता है देख सकते हैं। और एक बात गाइस कि आप हमेशा इस ट्रिमर को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, मतलब जो ये वाली साइड है ब्लेड्स वाली वो ऐसी होनी चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कट लग सकता है और स्पेशली जब आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो कट लगने के चांसेस ज़्यादा है। कोम के साथ थोड़े कम हो जाते हैं गाइस चांसेस, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें ताकि आपको कट ना लगे। तो ये मैं अभी आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा ट्रिमर ऑन हो चुका है और यहाँ पे 3 LED लाइट्स है। जैसे ये ट्रिमर ऑन होता है और जब तक ये ट्रिमर ऑन है तब तक वो लाइट्स चालू रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे ट्रिमर को चालू किया और ये लाइट्स अभी भी बंद नहीं हुए हैं। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इसके कुछ मॉडल नंबर की वगैरह इन्फॉर्मेशन है और रेटिंग है इसकी चार्जिंग आउटपुट और इनपुट की रेटिंग है। यहाँ पे पीछे की तरफ साइड में तो कुछ नहीं है गाइस, सामने की तरफ यहाँ पे आपको एक नॉब और एक बटन देखने मिलती है और 3 LED लाइट्स।
यहाँ पे पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। इस तरह से आपको ये जो माइक्रो यूएसबी केबल मिली है इसको कुछ इस प्रकार से इसमें डालना है, और इसको आप फिर वॉल माउंट में डाल सकते हैं अपने अडाप्टर में, या फिर पीसी से भी चार्ज कर सकते हैं। और आप इसे ऐसे रख के या ऐसे कैसे भी रख के चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो 5 वॉट्स 2 एम्पियर का अडाप्टर शॉमी के फ़ोन्स के साथ मिलता है आप उसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है गाइस। क्योंकि अगर आप ज़्यादा करंट इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि इसकी बैटरी लाइफ कम हो जाए, क्योंकि इसका जो बैटरी लाइफ है वो 2 घंटे चार्ज करने पे ये ट्रिमर आराम से आपको 1 घंटे का वगैरह बैकअप दे देता है। और मैंने इसे यूज़ किया था तो जब आया था ये तब फुल चार्जिंग में था, फिर जब मैंने इसे यूज़ किया तब इसकी चार्जिंग एकदम 1 लाइट तक चली गई थी, और मुझे लगभग 1 घंटा लगा था इसे फुल चार्ज करने में। और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाता है इसके तीनों लाइट्स जल जल जाते हैं, और जब ये चार्जिंग में रहता है तो इसकी लाइट ब्लिंक करते, मतलब पहले एक करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे ब्लिंक करता है, और जब इसका चार्जिंग हो जाती है तब इसके तीनों इस प्रकार से लाइट जल जाते हैं। मैं आपको और एक बात दिखा दूँ, आपका ट्रिमिंग होने के बाद आप इसे कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं और इसे साफ कर सकते हैं, ये जो ब्रश मिला इससे कुछ ऐसे या फिर कुछ इस प्रकार से आप इसे कुछ ऐसे साफ कर सकते हैं। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 15 वगैरह दिन में आप इसे एक बार यहाँ पे ऐसे ऑयलिंग कर दीजिए, यानी इसकी ब्लेड्स जो है जैसी है शार्प वैसी रहेगी, नहीं तो हो सकता है कि इसके ब्लेड्स भी ख़राब हो जाए। इसलिए आप इसे थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करते रहिए ताकि इसकी जो ब्लेड्स की शार्पनेस है वो जैसी थी वैसी रहे बरकरार। और आपको कुछ इसे इस तरह से यहाँ पे फिर से अटैच कर देना है। लग गया गाइस ये, अभी आपको इसे अटैच करना है, और आप यहाँ पे एक होल दिया है जैसे कि आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे एक होल दिख रहा होगा आपको अभी, तो इसमें आपको कुछ इसे इस प्रकार से रख देना है। तो गाइस ये काफ़ी एक अच्छा ट्रिमर है, अगर आपको चाहिए 1000 रुपये के अंदर तो, और ये काफ़ी एक MI कंपनी की तरफ से आता है तो काफ़ी अच्छा ही हो गया, क्योंकि एक ब्रांडेड ट्रिमर है। इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है गाइस, और अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक मैंने MI.com मतलब MI का जो ऑफिशियल स्टोर है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और ये अमेज़ॉन पे ये ट्रिमर अवेलेबल नहीं है गाइस, मैंने पूरा अमेज़ॉन सर्च किया अच्छे से, तो मतलब अभी तो ये ट्रिमर अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, पता नहीं इन फ्यूचर कभी हो जाए, क्योंकि अभी सेल भी आ रहा है अमेज़ॉन का ग्रेट इंडिया सेल, तो उसमें हो सकता है ये ट्रिमर आ जाए। अगर आ गया तो आपको सस्ता भी मिल सकता है, पर MI.com पे ये 1000 के प्राइस में अवेलेबल है अभी, आप वहाँ जाके इससे परचेस कर सकते हैं। और एक फीचर में बताना भूल रहा हूँ गाइस, कि जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ये जो बैग मिला है इसमें आपने अगर इसको रख दिया तो, और ट्रैवल करते करते ऐसे ऑन हो गया तो हो सकता है कि ये कुछ चीज़ फाड़ दे, इसके लिए इसमें एक फ़ीचर दिया है गाइस, इस बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए 3 सेकंड्स तक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे 3 लाइट ब्लिंक हो रहे हैं, और फिर मैं इसे दबाता हूँ फिर से तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फिर से 3 लाइट ब्लिंक हो रहे हैं। इसका ये फीचर का नाम है ट्रैवल लॉक, मतलब अगर आपने अगर इसको रख दिया है और गलती से आपसे ऐसे बटन दब जाती है तो 3 लाइट सिर्फ ब्लिंक होंगे, ये ट्रिमर टर्न ऑन नहीं होगा। और अगर आपको ये फीचर को वापस से ऑफ करना है मतलब चालू करना है ट्रिमर को, तो फिर से आप इस बटन को प्रेस एंड होल्ड कीजिए 3 सेकंड्स तक, जब तक ये ट्रिमर चालू नहीं होता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिमर चालू हो चुका है, ये ट्रिमर कुछ इस प्रकार से वर्क करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ, ये अभी रुका हुआ है, जैसे मैं बटन दबाता हूँ ये हिलना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से ट्रिमर ये वर्क करता है गाइस, ऐसे सारे ट्रिमर इसी प्रकार से वर्क करते हैं। बस आप आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना,
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने जो रिलेटिव्स है जिनको ट्रिमर ख़रीदना है उनके साथ ज़रूर शेयर करना, हो सकता है ये उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।